कल हमारे 44 CRPF जवानों को बहुत ही कायराना तरीके से मार दिया गया, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे जनता की राय। आप क्या कहना चाहते हैं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रवि कुमार है। कल जो ये पुलवामा के अवंतीपुरा में टेरर अटैक हुआ है, ये बहुत दुखद घटना है और जनता के अंदर इसका इतना आक्रोश है कि जनता खुद भी जाकर बदला लेना चाहती है। और हम सभी नेताओं से, राजनीतिक पार्टियों से ये अपील करते हैं, एक विनम्र प्रार्थना है कि इस मुद्दे को राजनीति से ना जोड़ें और इसमें सेना का समर्थन करें, उनको जोश दिलाएं कि वो उस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। सारे राजनीतिक पार्टियों का इकट्ठा होकर मोदी का साथ देना चाहिए और मोदी को हम संदेश देते हैं कि मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जी मोदी जी हम तुम्हारे साथ हैं, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जी हम तो यही कह गए जी, जैसे ये घटना हुई है कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, ये है फेलिसिटी टीवी। कल कश्मीर में मरने वाले 44 बहादुर जवानों में 12 उत्तर प्रदेश के हैं। हमारे नज़दीक जिला शामली के 2 बहादुर जवान प्रदीप प्रजापति और अमित कुमार भी शहीद हो गए हैं। हम इनको श्रद्धांजलि देते हैं दुखी मन से, उसके घर वाले बहुत ही शोक में हैं। हम सभी जवानों को, यूपी का हो या देश के किसी भी अन्य भाग का हो, श्रद्धांजलि देते हैं। यूपी में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा है कि हर एक जवान के घर वालों को के एक एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, वह 25-25 लाख रुपए मिलेंगे, वह इनके नाम पर जो गांव का संपर्क मार्ग है इनके नाम पर बनाया जाएगा। बहुत से नेताओं के इसमें कमेंट्स आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। अभी अभी मिले समाचार के अनुसार भारत ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा खत्म कर दिया है। एक यूएस विशेषज्ञ के अनुसार, अमेरिकी विशेषज्ञ के अनुसार, इस पूरे हमले में ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है का उसका हाथ है। उन्होंने ही आतंकवादियों को बेल्ट मुहैया कराई, उन्होंने ही विस्फोटक सामान तैयार कराया, वे ट्रेनिंग इसकी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में दी गई। लोकल नेता चौधरी अजीत सिंह ने भी कहा है इसका भारत को बदला लेना चाहिए किसी भी कीमत पर। इस हमले की विदेशों तक करीब 37 देशों ने निंदा की है। अमेरिका ने कहा है हम भारत के साथ खड़े हैं, रूस ने कहा है कि किसी भी दोहरेपन वाले रवैये को छोड़कर हम पूरी तरह से भारत सरकार के साथ हैं आतंकवाद को खत्म करने। अभी तक मिली खबरों के अनुसार करीब 40 जवान शहीद हो चुके हैं व 40 अन्य घायल हैं। फिल्म एक्टरों से भी इसमें प्रतिक्रिया मिल रही है। सलमान खान ने बोला है कि मेरा दिल रो रहा है, मैं कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करूँ, कहा नहीं जा सकता। अनुपम खेर जी कहते हैं कि किसी भी कीमत पर भारत को इनका बदला लेना चाहिए और विभिन्न एक्टरों ने, विभिन्न नेताओं ने, राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हम जरूर इसका बदला लेंगे। क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता, बहुत दुख की घड़ी है और हम आप सबसे उम्मीद करते हैं कि शांति बनाए रखें, जहाँ तक हो सके इन शहीद परिवारों की मदद करें, जैसे भी हो सके, जो भी हो सके। पाकिस्तान ने, जैसा कि वो पहले से करता आया है, एक भद्दा मजाक किया है। वो कहता है कि भारतीय मीडिया और भारत सरकार हमें बिना मतलब ही फंसा रही है, बिना किसी जांच के। ये उनकी आदत है, जैसे कोई अपराधी व्यवहार करता है वैसे ही पाकिस्तान भी करता है। अभी तक चाइना और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का कोई भी स्टेटमेंट इस बारे में नहीं आया है और हम उनसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते हैं।